नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ये ट्रेन जानकारी है वो है जम्मू तवी से कोलकाता तक चलने वाली जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, जो कि डेली ट्रेन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसे सियालदा एक्सप्रेस के ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ट्रेन है अपने अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है डेली ट्रेन है। जम्मू तवी से कोलकाता की जो दूरी है ये 43 घंटे 10 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 80 स्टेशन हैं। 1986 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 46 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसका ट्रेन नंबर है 13152। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है। सेकेंड AC, थर्ड AC, AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास, जनरल डिब्बे और एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये जम्मू तवी से स्टार्ट होती है, फिर पठानकोट कैंट होते हुए लुधियाना जंक्शन पहुंचती है। लुधियाना जंक्शन के बाद अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया जंक्शन, धनबाद जंक्शन, आसनसोल जंक्शन होते हुए ये ट्रेन जो है कोलकाता में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। तकरीबन 1986 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। अगर बात करें जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, थर्ड AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा वो जम्मू तवी से कोलकाता तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। तो जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस में सेकंड AC का जम्मू तवी से कोलकाता तक का जो पर सीट किराया है वो है 2915 रुपये, जिसमें बेस फेयर हैं 2726 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 50 रुपये, GST चार्ज 140 रुपये के करीब है। टोटल किराया 2915 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो जम्मू तवी से कोलकाता तक का जो पर सीट किराया है वो है 2005 रुपये, जिसमें 1870 रुपये के करीब तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 96 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 2005 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC इकॉनमी के भी कोच हैं, जिसका 8% थर्ड AC से कम किराया होता है, जिसका जम्मू तवी से कोलकाता तक का जो टोटल किराया है वो है 1890 रुपये, 1760 रुपये बेस पर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है और GST चार्ज 90 रुपये है। बाकी स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 8 कोचेस हैं, जिसका जम्मू तवी से कोलकाता तक का पर सीट किराया है 755 रुपये, जिसमें 735 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है और टोटल किराया जो बनता है वो है 755 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। जनरल डिब्बों के तकरीबन 3 कोच हैं जो कि ट्रेन के पीछे की तरफ लगाए गए हैं, जिसका टिकट किराया लगभग 430 रुपये के करीब है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से किराया जो है कंफर्म जरूर करें। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपके टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है ये चार्जेस पे करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, जिसे सियालदा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन जो है हर रोज़ चलती है। रात के 8:30 पर ये एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और कोलकाता तक पहुंचने के लिए इसे 43 घंटे 10 मिनट का समय लगता है और इसके तकरीबन 80 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का है वो है कठुआ। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 9:40 पर पहुँचती है और 9:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 76 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर सियालदा जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस के साथ हर मंगलवार को इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद पंजाब के पठानकोट कैंट में रात के 10:20 पर पहुँचती है और 10:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 99 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मुकेरियाँ रेलवे स्टेशन पर रात के 11:03 पर पहुँचती है और 11:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 138 किलोमीटर की दूरी जो है जम्मू से मुकेरियाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद जलंधर कैंट जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:25 पर पहुँचती है और 12:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 212 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है JRC। फगवाड़ा जंक्शन पंजाब में ये ट्रेन जो है
रात के 12:42 पर पहुंचती है और 12:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लुधियाना जंक्शन पंजाब में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 1:45 पर पहुंचती है और 1:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 265 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खन्ना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है रात के 2:47 पर पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। झेलम एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर डेली क्रॉसिंग होती है और तकरीबन 307 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। सरहंद जंक्शन पंजाब में ट्रेन जो है रात के 3:03 पर पहुंचती है और 3:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 324 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। सरहंद जंक्शन के बाद राजपुरा जंक्शन पंजाब का जो आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर रात के 3:19 पर पहुँचती है और 3:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। हरियाणा के पहले स्टेशन अम्बाला सिटी में ट्रेन जो है रात के 3:46 पर पहुंचती है और 3:48 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बेगमपुरा एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है और 370 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा के अम्बाला कैंट जंक्शन में सुबह 4:10 पर पहुँचती है और 4:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 378 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर गंगा सतलुज एक्सप्रेस के साथ डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जगाधरी वर्कशॉप हरियाणा में सुबह 4:50 पर पहुँचती है और 4:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। हिमगिरी एक्सप्रेस और लोहित एक्सप्रेस के साथ इसकी अलग अलग दिनों पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद यमुनानगर जगाधरी जो कि हरियाणा का आखिरी स्टेशन है इस ट्रेन का, ये यहाँ पर सुबह 4:58 पर पहुँचती है और 5 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 428 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। सहारनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 5:30 पर पहुंचती है और 5:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 460 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद रुड़की रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में सुबह 6:17 पर पहुँचती है और 6:19 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। लक्सर जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 6:40 पर पहुँचती है और 6:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मुजम्मपुर नारायण जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 7:14 पर पहुँचती है और 7:16 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 542 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। नजीबाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 7:32 पर पहुंचती है और 7:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। नगीना रेलवे स्टेशन पर सुबह 7:55 पर पहुंचती है और 7:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। धामपुर उत्तर प्रदेश में सुबह के 8:13 पर पहुँचती है और 8:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। सिहोरा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 8:29 पर पहुंचती है और 8:31 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 606 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। सिहोरा रेलवे स्टेशन पर अकाल तख्त एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर अलग अलग दिनों पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद मुरादाबाद जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:47 पर पहुंचती है और 9:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 8 मिनट का स्टॉप है, एक या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 652 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। रामपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 10:23 पर पहुँचती है और 10:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 680 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। मिलक उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 10:50 पर पहुंचती है और 10:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 702 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड MIL। इसके बाद ये ट्रेन जो है क्लटरबकगंज में ये ट्रेन जो है सुबह 11:20 पर पहुँचती है और 11:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह
11:52 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में 12:14 पे पहुंचती है और 12:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है तिलहर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में 12:43 पे पहुंचती है और 12:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 763 किलोमीटर की दूरी जो है यहां, 794 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। शाहजहानपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में 1:05 पे पहुंचती है और 1:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद रोजा जंक्शन में ट्रेन जो है 1:25 पे पहुंचती है और 1:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अंजी शाहबाद रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है 1:57 पे पहुंचती है और 2 बजे के करीब वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हरदोई रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है 2:18 पे और 2:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है HRI। इसके बाद बालामऊ जंक्शन में 2:50 पे पहुंचती है और 2:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। संदीला रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में 3:12 पे पहुंचती है और 3:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग में 5:00 पहुंचती है और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। बाराबंकी जंक्शन उत्तर प्रदेश में 5:46 पे पहुंचती है और 5:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1,005 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। सफदरगंज उत्तर प्रदेश में 6:28 पे पहुंचती है, 6:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद दरियाबाद रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है 6:53 पे पहुंचती है और 6:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,044 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है रुदौली रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में 7:14 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सोवाल रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है 7:47 पे पहुंचती है और 7:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,090 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसके बाद अयोध्या जंक्शन में 8:17 पे पहुंचती है और 8:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। पटना कोटा एक्सप्रेस के साथ इसकी यहां पर क्रॉसिंग होती है हफ्ते में 3 दिन। इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव नगर में ये ट्रेन जो है 8:40 के करीब पहुंचती है और 8:40 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,107 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। अयोध्या जंक्शन उत्तर प्रदेश में 8:58 पे पहुंचती है और 9 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,112 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर 9:54 पे पहुंचती है और 9:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,143 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है 10:16 पे पहुंचती है और 10:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। मालीपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में 10:37 पे पहुंचती है और 10:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। शाहगंज जंक्शन में ट्रेन जो है 11:05 पे पहुंचती है और 11:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है SHG। इसके बाद जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है
वो जौनपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 11:42 पर पहुँचती है और 11:46 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 4 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, श्रमिक एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। वाराणसी जंक्शन में रात के 1:30 पर पहुँचती है और 1:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 5-8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, तकरीबन 1301 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। काशी रेलवे स्टेशन पर रात के 1:51 पर पहुँचती है और 1:53 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1306 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगलसराय भी कहा जाता था, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 2:45 पर पहुँचती है और 2:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। भाभुआ रोड बिहार में ट्रेन जो है सुबह 3:30 पर पहुँचती है और 3:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1373 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। कुदरा बिहार में ट्रेन जो है सुबह 3:46 पर पहुँचती है और 3:48 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1396 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है सासाराम जंक्शन बिहार में सुबह 4:06 पर पहुँचती है और 4:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। देहरी ऑन सोने में ट्रेन जो है सुबह 4:22 पर पहुँचती है और 4:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1440 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन पर सुबह 4:38 पर पहुँचती है और 4:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर हर मंगलवार और बृहस्पतिवार को टाटानगर अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है रफीगंज रेलवे स्टेशन पर सुबह 4:58 पर पहुँचती है और 5 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है RFJ। इसके बाद ये ट्रेन जो है गुरारू रेलवे स्टेशन पर सुबह 5:11 पर पहुँचती है और 5:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1503 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नेताजी एक्सप्रेस और दून एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है डेली। इसके बाद गया जंक्शन बिहार में सुबह 6:10 पर पहुँचती है और 6:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1524 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। टनकुपा रेलवे स्टेशन पर बिहार में सुबह 6:54 पर पहुँचती है और 6:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पहाड़पुर जो कि बिहार का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 7:07 पर पहुँचती है और 7:09 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पहाड़पुर के बाद ये ट्रेन जो है झारखंड में एंटर करती है। झारखंड के पहले स्टेशन कोडरमा रेलवे स्टेशन पर सुबह 7:46 पर पहुँचती है और 7:48 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1600 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद परसाबाद रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 8:16 पर पहुँचती है और 8:18 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। हजारीबाग रोड झारखंड में ट्रेन जो है सुबह 8:34 पर पहुँचती है और 8:36 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 8:55 पर पहुँचती है और 8:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 9:25 पर पहुँचती है और 9:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। धनबाद जंक्शन झारखंड में ट्रेन जो है सुबह 10 बजे पहुँचती है और 10:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कामाख्या रांची वीकली एक्सप्रेस के साथ हर बुधवार को इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद झारखंड के पहले आखिरी स्टेशन कुमार धूबी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है सुबह 11:03 पर पहुंचती है और 11:04 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बराकर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है सुबह 11:07 पर पहुँचती है और 11:09 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1764 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बराकर के बाद ये ट्रेन जो है कुल्टी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में
सुबह 11:14 पे पहुंचती है और 11:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। आसनसोल जंक्शन पश्चिम बंगाल में सुबह 11:35 पे पहुंचती है और 45 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1781 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में दोपहर के 12:02 पे पहुंचती है और 12:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अंडाल जंक्शन पश्चिम बंगाल में दोपहर के 12:13 पे पहुंचती है और 12:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में दोपहर के 12:31 पे पहुंचती है और 12:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1824 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। पानागढ़ पश्चिम बंगाल में दोपहर के 12:45 पे पहुंचती है और 12:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर मैथिली एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद बर्धमान जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:38 पे पहुंचती है और 1:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। कुमारकुंडू रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में दोपहर के 2:21 पे पहुंचती है और 2:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में दोपहर के 3:02 पे पहुंचती है और 3:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन कोलकाता रेलवे स्टेशन चितपुर टर्मिनल भी जिसे कहा जाता है, यहां पर दोपहर के 3:40 पे पहुंचती है और 3 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो जम्मू तवी से यहां तक की यात्रा है 1987 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को।